नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 11 जुलाई। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या 14,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते दिन जारी किए गए अपडेट तक 352 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद बिहार में प्रभावितों की कुल संख्या 14,330 हो गई है। पाए गए मामलों में प्रभावित जिलों की बात करें तो सबसे ज्यादा भागलपुर में 84, अररिया में 4, अरवल में 6, औरंगाबाद में 1, बांका में 6, बक्सर में 5, दरभंगा में 5, गया में 1, जमुई में 8, जहानाबाद में 1, कैमूर में 1, खगड़िया में 10, लखीसराय में 4, मधेपुरा में 9, मधुबनी में 15, मुजफ्फरपुर में 34, नालंदा में 13, नवादा में 1, पश्चिम चंपारण में 12, पटना में 73, पूर्वी चंपारण में 21, पूर्णिया में 2, रोहतास में 7, समस्तीपुर में 6, सारण में 2, शिवहर में 2, सुपौल में 19 मामले सामने आए हैं। वहीं से ठीक होने वालों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार अब तक कुल मिलाकर 10,251 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोविड-19 की वजह से 111 लोगों की जान जा चुकी है। पटना एम्स में शुरू हुआ कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल। बीते दिन से पटना एम्स में कोविड-19 के वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। ट्रायल 2 फेज में होगा। वहीं बीते दिन से शुरू किए गए वैक्सीन के ट्रायल को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ICMR के DM के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जिसके बाद अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान मंत्री ने पटना एम्स में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। लगातार हो रही बारिश के कारण उत्तर बिहार की कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई नदियां उफान पर है। बाढ़ आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। सिर्फ उत्तर बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल के भी कई इलाकों में हो रही बारिश ने सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। आसपास के इलाकों में हो रही बारिश से गंडक नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। वाल्मीकि नगर बराज में गंडक नदी में 121,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके लिए सरकार की तरफ से टोल फ्री नंबर 1800-345-6145 जारी कर दिया गया है। बिहार के जमुई जिले में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण जारी हुआ लॉकडाउन। बिहार में जहां बीते दिन तक 11 जिलों में फिर से लॉकडाउन लागू किया गया था, वहीं अब बीती शाम बिहार के जमुई में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद जिले में कोविड-19 के संक्रमण को लेकर लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए DM ने 11 से 15 लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। पटना से रांची और दानापुर से टाटा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन को किया गया कैंसिल। 13 जुलाई से पटना से रांची और दानापुर से टाटा के बीच चलाई जा रही स्पेशल ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य सरकार के अनुरोध के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत पटना से रांची जाने वाली स्पेशल ट्रेन आंशिक रूप से कैंसिल रहेगी, जबकि दानापुर से टाटा जाने वाली स्पेशल ट्रेन का परिचालन पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि 13 जुलाई से साफ तौर पर गाड़ी संख्या 02365, 02366 पटना रांची पटना स्पेशल ट्रेन सिर्फ पटना और गया के बीच चलाई जाएगी, जबकि गया और राज्यों के बीच का परिचालन कैंसिल रहेगा। तेजस्वी और चिराग के सुर हुए एक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। जिस तरीके से आए दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते रहते हैं, उसी तरह अब चिराग पासवान ने भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव चुनाव को टालने की बात कहते आ रहे हैं और अब चिराग पासवान ने भी यही बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद चिराग पासवान ने उक्त दावा किया है और कहा है कि बिहार में कोरोना संक्रमण का मामला जिस तरह से फैल रहा है, ऐसी हालत में फिलहाल चुनाव कराना लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना होगा। चुनाव आयोग को इस विषय में सोच कर निर्णय लेना चाहिए। 4 अगस्त को होने वाली मुख्य परीक्षा को BPSC ने किया कैंसिल। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 4 से 9 अगस्त के बीच होने वाली 65वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज मेन परीक्षा और एकत्रित जुडिशियल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार यह दोनों परीक्षाएं 4, 5, 7 और 9 अगस्त को आयोजित की जानी थी, जिसके बाद आधिकारिक नोटिस जारी करते हुए इन परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि पहले यह परीक्षा 25, 26 और 28 जुलाई को आयोजित की गई थी, मगर फिर से अगस्त में स्थगित कर दिया गया था। इस परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए सभी अभ्यर्थी bpscbis.nic.in पर जाकर सारी जानकारी ले सकते हैं। संजय कुमार झा ने की संभावित बाढ़ को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील। जगह जगह पर हो रही बारिश के कारण संभावित बाढ़ को देखते हुए बीते दिन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसमें जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के उच्च अधिकारी और संबंधित जिलों के जिलाधिकारी शामिल हुए थे। इसके तहत संजय कुमार झा ने भी अपना ट्वीट जारी करते हुए कहा कि नेपाल और उत्तर बिहार के कई जिलों में 13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। नदियों का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाके की आबादी को उच्च स्थान पर शिफ्ट करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। ऐसे इलाके का विवरण संलग्न है। वहां के लोगों से अनुरोध है कि इस दौरान पर्याप्त सतर्कता बरतें।
आईसीएसई और आईएससी के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में पटना के अर्णव मिश्रा रहे टॉपर। बीते दिन आईसीएसई की 10वीं और आईएससी की 12वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा जारी किए गए रिजल्ट में डॉन बॉस्को के अर्णव मिश्रा टॉपर रहे। अर्णव मिश्रा को 98.6% अंक प्राप्त हुए हैं। कॉमर्स में डॉन बॉस्को के अक्षत काबरा को 97.75% अंक प्राप्त हुए हैं। वहीं पटना के कंकड़बाग स्थित लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। स्कूल के सभी छात्र पास कर दिए गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने की लॉकडाउन के नियमों को पालन करने की अपील। केंद्रीय मंत्री और बिहार के पटना साहिब से सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब समेत जिला के सभी नागरिकों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान सभी घर में रहे, मास्क पहने और अगर किसी मजबूरी में मिलने की आवश्यकता हो तो कम से कम 2 गज की दूरी अवश्य रखे और यह सब कुछ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमें यह सच्चाई स्वीकारनी होगी कि जाने अनजाने में पर्याप्त सावधानी न बरतने के कारण ही कोविड-19 प्रभावितों संख्या में अचानक से तेजी आई है और उसे रोकने के लिए हमें दोबारा से लॉकडाउन लागू करना पड़ा है। बिहार के 27 पुलिस पदाधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। चुनाव आयोग के आदेश पर बिहार में अब तक 27 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला किया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी बिहार पुलिस मुख्यालय ने जारी कर दी है। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार निर्वाचन आयोग के द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के स्वतंत्र आयोजन को ध्यान में रखते हुए उक्त आदेश सुनाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना क्षेत्र मुजफ्फरपुर एवं मगध क्षेत्र गया के 7वें विमर्श के बाद अब इन पुलिस पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर गृह जिले में सड़क और चौक का हुआ नामांकन। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद राजधानी पटना के राजीव नगर रोड नंबर 6 का नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत मार्ग रख दिया गया था। वहीं अब उनके गृह जिले पूर्णिया शहर में 3 किलोमीटर लंबी एक सड़क अब सुशांत सिंह राजपूत पथ कहलाएगी। इसी तरह शहर के 4-लेन चौक को अब सुशांत सिंह राजपूत चौक के नाम से जाना जाएगा। गुरुवार को मेयर सविता सिंह ने बोर्ड लगाकर दोनों जगह का नामांकन किया है, जिसका फैसला 5 दिन पहले नगर निगम की स्थायी समिति में लिया गया था। संजय जायसवाल ने पीएम पैकेज का लाभ किसानों को पहुंचाने का दिया आश्वासन। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। सरकार की तरफ से घोषित किए गए पैकेज का लाभ किसानों तक पहुंचाने की कोशिश भी जारी है, जिसके तहत भाजपा किसानों तक खुद शरीक हुए बगैर उन तक पहुंचना चाहती है और इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए इस बारे में उन्हें जागरूक करेगी, जिसका दावा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया है। राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाया आरोप। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए आरोप पर आरोप लगाए हैं, जिसके तहत उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर को जारी करते हुए अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत राबड़ी देवी ने ट्वीट कर 3 तस्वीरों को शेयर किया है। पहले तस्वीर में सीएम नीतीश के पहले 5 साल का जिक्र है और उसमें दिखाया गया है कि तब सीएम नीतीश की कुर्सी छोटी थी। दूसरी तस्वीर में कुर्सी बड़ी है और जनता छोटी है। वहीं तीसरी तस्वीर में सीएम की कुर्सी काफी ऊंची दिखाई दे रही है और नीचे लिखा है अब सीएम नीतीश के लिए कुर्सी से बड़ा कुछ नहीं है। राज्य में नई फैक्ट्री लगाने वालों को सरकार देगी राहत। राज्य में नई फैक्ट्री को लगाने वालों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर राहत देने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत अब कोविड-19 के माहौल में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने 20 से कम कर्मियों के साथ मिलकर डीजल या बिजली से कारखाना चलाने वाले श्रमिकों को कानून से दूर रखने का फैसला सुनाया है। साथ ही बिना पावर के कारखाना चलाने वाले कर्मचारियों की संख्या भी 40 कर दी है। अधिकारियों की माने तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा कारखाने खुल सके और कोविड-19 के माहौल में लाखों वापस लौटे श्रमिकों को गृह जिले में ही रोजगार मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव किया गया है। कोविड-19 से ज्यादा प्रभावित इलाकों में प्रतिबंध लगाने की पूरी बागडोर सौंपी गई जिलाधिकारी के हाथ में। बिहार में सूचना एवं जनसंपर्क सचिव अनुपम कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार के जिस भी इलाके में कोविड-19 के मामले ज्यादा आ रहे हैं उस जिले के जिलाधिकारी के पास उस क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने की पूरी छूट होगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लगातार समीक्षा की जा रही है और गहरी नजर भी रखी जा रही है। वर्तमान स्थिति में स्वास्थ्य विभाग को टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने का आदेश भी दे दिया गया है। सरकार कोविड-19 रोकथाम में अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में खुला कोविड सेंटर। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेज में कोविड सेंटर को खोल दिया गया है, जिसका फैसला बिहार सरकार ने संभावित कोविड-19 के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य में 9 मेडिकल कॉलेज में 900 बेड वाली कोरोना वार्ड बनाने का निर्देश दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप पटना पीएमसीएच, पटना एनएमसीएच, दरभंगा डीएमसीएच, भागलपुर जेएन
MCH, मुजफ्फरपुर SKMCH, गया NMCH, नालंदा वर्धमान आयुर्वेदिक संस्थान हॉस्पिटल, बेतिया राज मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल और मधेपुरा जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 100-100 बेड वाले कोरोना केयर सेंटर खोलने का आदेश दिया गया है। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की गई जान। जहां बिहार में कोविड-19 ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ आकाशीय बिजली ने भी सबका जीना दुश्वार कर दिया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हर दिन आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कई लोगों की जान जा रही है। बीते दिन मिली जानकारी के अनुसार आकाशीय बिजली गिरने से 8 लोगों की जान चली गई है, जिसकी पुष्टि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी की गई सूची में की गई है, जिसके परिणाम स्वरूप अररिया में 4, बांका में 1, किशनगंज में 1 और पूर्णिया में 2 लोगों की जान चली गई है। पटना के एम्स को बनाया गया कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या को बढ़ता देख पटना के एम्स को पूरी तरीके से कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल बना दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी है और बताया है कि कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पटना स्थित एम्स को अब कोविड-19 डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में चयनित कर दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर किसी अन्य बीमारी का इलाज नहीं करवाया जाएगा। लालू प्रसाद यादव के बाहर निकलने को लेकर सुशील कुमार मोदी ने की टिप्पणी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद यादव के नाम पर एक बार फिर से घेराव किया है। दरअसल बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह दावा किया था कि जल्द ही लालू प्रसाद यादव बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद ही एनडीए नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। इसी क्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लालू यादव के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, एनडीए 3/4 बहुमत से ही चुनाव जीतेगी। लालू प्रसाद यादव 2010 में भी बाहर थे, मगर उस वक्त पार्टी मात्र 22 सीटों पर ही सिमट गई थी। तेजस्वी यादव को अब रास नहीं आ रहे जीतन राम मांझी। महागठबंधन दल में जीतन राम मांझी और तेजस्वी यादव के बीच में अनबन की स्थिति लगातार बरकरार है। खबरों के माने तो कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल की पहल के बावजूद हम प्रमुख जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ मांझी की मांग पर तेजस्वी गौर फरमाने का कष्ट भी नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद अहमद पटेल और शक्ति सिंह गोहिल दोनों की मध्यस्थता फेल साबित हो रही है। जानकारों के माने तो तेजस्वी यादव यह मानकर चल रहे हैं कि अन्य दलों के पास कोई और विकल्प फिलहाल मौजूद नहीं है और यह कारण है कि वो अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान के बदलते तेवर पर जदयू ने दी अपनी प्रतिक्रिया। चिराग पासवान के तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार तल्ख रवैया दिखा रहे हैं। चिराग पासवान ने कई बार इशारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी भी की है, जिसके बाद जदयू के वरिष्ठ नेता महेश्वर हजारी ने कहा है कि नीतीश कुमार ही दलितों के सबसे बड़े नेता है। सिर्फ दलित हो जाने से कोई दलित का नेता नहीं हो जाता। दलितों के लिए जितना काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, उतना किसी भी नेता ने नहीं किया है। वसीम जाफर ने पृथ्वी शॉ को लेकर कही अहम बात। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर ने बीते दिन पृथ्वी शॉ को लेकर अहम बातें कही है, जिसके तहत उन्होंने पृथ्वी शॉ की तुलना वीरेंद्र सहवाग से करते हुए कहा कि मुंबई के युवा बल्लेबाज को मैदान से बाहर ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। पहले ही पृथ्वी शॉ पर 8 महीने का प्रतिबंध लगाया जा चुका है। प्रतिबंध पूरा होने के बाद उन्हें क्रिकेट पर वापसी की और इस साल भारत के न्यूजीलैंड दौरे पर उन्हें मौका देना चाहिए था। मुझे लगता है कि शो को मैदान से बाहर ज्यादा अनुशासित होने की जरूरत है। उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल की है, लेकिन उसे क्रिकेट के बाहर भी बहुत ज्यादा अनुशासित रहने की जरूरत है। भारत सरकार के रुख को देखकर जूम ने चीन से कोई संपर्क नहीं होने की कही बात। लॉकडाउन के दौरान घर से काम करने वाले सभी कर्मचारियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने वाला जूम ऐप का इस्तेमाल भारी संख्या में किया जा रहा है। तमाम बड़ी कंपनियों से जूम के जरिए ही पिछले कुछ महीनों से कर्मचारियों के बीच मीटिंग हो रही है। हालांकि भारत सरकार के रुख को देखते हुए जूम ने चीन से कोई भी संपर्क नहीं रखने का दावा किया है। इस ऐप से संबंधित एक कर्मचारी ने कहा है कि चीन से उनका कोई नाता नहीं है। यह एक अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका शेयर बाजार नैस्डैक पर सार्वजनिक कारोबार करती है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर से कंपनियों के खर्च में आई कमी। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव के कारण सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की नसीहत दी गई है। ऐसे में सभी कार्यालय भी बंद पड़े हैं और कंपनियों के खर्च में भी भारी कमी आ गई है। मिली जानकारी के अनुसार औसत स्तर की किसी कंपनी के कुल खर्च का 25-30% ऑफिस के किराए और इससे जुड़े अन्य मामलों पर होता है, मगर वर्क फ्रॉम होम की वजह से कंपनी का 25-30% हिस्सा भी बच जा रहा है। नोएडा सेक्टर 58 में सॉफ्टवेयर कंपनी ऐप इन्वेंटेड टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 की वजह से कंपनी पूरी तरीके से बंद थी, मगर काम सुचारू रूप से करवाया जा रहा है, क्योंकि कंपनी के लेबर 550 सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोग्रामर समेत अन्य कर्मचारी अपने घर से ही काम कर रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है सुषमा पाठक, उजाला चौधरी, नीलू उस्मानी, मिस्टर साहिल, भानुप्रिया संजय, मुरमुर, दिनेश कुमार, अरुण सिंह,
गोपाल कुमार, मोहम्मद गजनवी, दिव्यांशु कुमारी, चंदन कुमार यादव, रमेश कुमार, इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महागठबंधन का नेता किसे नियुक्त होना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।